नमस्ते। आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की जमा के सवाल हल करें की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की यह बताएं। खाने में मिलावट की जांच वाले वीडियो से आपने क्या जाना? क्या आपने घर जाकर खाने में मिलावट की पहचान की कोशिश की आदि के बारे में बात करते हैं। अब साथ लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो खींचते हैं। फोटो प्रथम के प्रतिनिधि को भेजते हैं। तब तक यह वीडियो पॉज करते हैं। हमारी इस गतिविधि का नाम है करके देखते हैं। सभी माताएं एक लाइन में खड़ी रहें। घर में उपलब्ध होने वाली छोटे आकार की चीजें 5 से 6 फीट की दूरी पर रखें, जैसे कंघी, चम्मच, कटोरी, मोबाइल आदि। प्रत्येक माता बारी-बारी से कुकर की रिंग बताई गई वस्तु पर फेंकने की कोशिश करे। जो माता बताई गई वस्तु पर रिंग फेंकेगी, उस माता के लिए तालियां बजाएं। तब तक वीडियो यहां पॉज करें। आशा है यह गतिविधि सभी माताओं ने आनंद के साथ की होगी। अब आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। पिछले हफ्ते हमने खाने में मिलावट के बारे में जाना था। इस महामारी में बच्चों की शिक्षा पर बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन अब स्कूल शुरू है। अभिभावक के तौर पर हमें बच्चे की शिक्षा के प्रति चिंता है, इसलिए हमारा स्कूल जाकर टीचर से बात करना जरूरी है। आइए इस वीडियो से समझते हैं कि हमें क्या करना है। पढ़ाई के बारे में जितनी चिंता हमें बच्चे की होती है, उतनी ही चिंता टीचर को भी होती है। इसलिए हमें बच्चे के बारे में टीचर्स के साथ बात करना और साथ मिलकर बच्चे की समस्याओं के बारे में मिलकर काम करना होगा। क्या बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है? कौन से विषय में वह कमजोर है? क्या बच्चा बाकी बच्चों के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है? आदि बातें टीचर से मिलने पर जरूर करें। यह बात ध्यान में रखें कि बच्चे की पढ़ाई सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी बच्चे की प्रगति में टीचर के साथ मिलकर काम करना होगा। घर में हमें भी टीचर बनना होगा, तभी हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। टीचर से बात कर हम किस तरह से बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, यह जरूर जानें। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चे की पढ़ाई में मदद करने के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। किस तरीके से हम पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में टीचर से बातचीत करें। बच्चे की प्रगति के बारे में हमेशा टीचर के साथ संपर्क में रहें। आशा है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। अगली बार ऐसे ही नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो का फायदा आपको जरूर होगा। अगले हफ्ते आपके अनुभव हमें अवश्य बताएं। चलिए अब आगे की गतिविधि देखते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से कराएं। बच्चों को कागज पर दिखाए अनुसार कोई भी आसान चित्र बनाकर दें। चित्र में सबसे बड़े चित्र को हरा रंग भरने के लिए कहें। वर्कशीट पूरी करने के बाद अगले हफ्ते आप वर्कशीट साथ लेकर आएं। क्या बच्चे ने यह वर्कशीट करने में आनंद लिया? यह अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें। आज की गतिविधियां यहाँ पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।